हेलो यंग चैम्स वेलकम टू माई ग्रिट ब्रेन्स माई नेम इजेस एनाजोस एंड टूडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर एंड योर ने द नेम ऑफ योर चैप्टर इज सैम एंड द सीक्रेट कॉल वॉट डू यू थिंक सीक्रेट कॉल क्या होगा कोई सीक्रेट मतलब किसी को नहीं बताना वाला सीक्रेट या कोई टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन टाइप वाला सीक्रेट ये वाला कॉल या कोई और कॉल क्या हो सकता है वील सी सो दिस chapter the story is about a young boy and his name is Sam okay? he goes to his uh, uh, he goes to an island with his family for vacations and wahan pe, there he finds this secret call and we will see what this secret call is okay? Sam and his parents have been coming to the same island every summer ever since he could remember what does that mean Sam and his parents बहुत सालों से जब से सैम uh, को याद है उस टाइम से वो लोग एक आइलैंड पे छुट्टियां मनाने जाते थे एक सेम आइलैंड पे हमेशा दे ऑलवेज स्टे इन द सेम स्मॉल हाउस विच हैज़ अ फैंटेस्टिक व्यू ऑफ द ग्लिटरिंग सी सो दोईर से उनके पास एक कमरा है वो हमेशा उस, उसी घर में रहते हैं एंड उस घर से उनको सी का एक फैंटेस्टिक व्यू मिलता है फैंटेस्टिक ब्यूटिफुल अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल ठीक है एंड ग्लिटरिंग सी वाई इज द सी कॉल्ड ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग क्यू हैव यू सीन अ बीच और अ सी जब वेव्स आती हैं बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उठते हैं है ना जहां पे वेव आ रही है वहां पे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स उठते हैं एंड व्हेन यू सी इट इन सन आपको ऐसा लगता है कि दे आर चमक रहे वो, वो शाइन कर रहे हैं सो सी विदिटरिंग ग्लिटरिंग सी इसलिए बोला है बिकॉज द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वॉटर दैट राइज दे शाइन इन दनलाइट ठीक है चमकता है वो द फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन द आईलैंड Sam सैम एंड फैमिली डिसाइडेड टू गो आउट टू द फेवरेट आइलैंड रेस्टोर Ocean, सो so, वो लोग इस बार भी गए आइलैंड uh, पे गए छुट्टी मनाने के लिए एंड जाते ही उस शाम को ये लोग तीनों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गए क्या है नाम उसका ओशियन they are ईटिंग डिनर डोमिनिक द हेड वेटर टेल्स देम अबाउट his कजिन Armando. नाउ वो लोग खाना खा रहे थे डिनर कर रहे थे तब वहाँ का जो हेड शेफ था हेड हेड वेटर था व्हाट इज हिज नेम डोमिनिक डोमिनिक ने आके इनको अपने कजिन के बारे में बताया एंड व्हाट इज हिज नेम अरमांडो ही सेज दैट अरमांडो हैज अ बोट एंड कैन टेक सैम स्विमिंग विद द डॉल्फिन्स नाउ व्हाट डज ही से कि uh, मेरा कजिन है अरमांडो यहां पे उसके पास एक बोट है And Sam चाहे तो अर्मेन्डो के साथ बोट पे जा सकता है and he can see the dolphins. Now do you get a slight idea कि secret call क्या होगा? No, we'll see. Armando even has a secret call that brings the dolphins to him. So the secret call is a secret voice. ठीक है? This is not call. This is a call. किसी को call करना, ठीक है? ये वाला कॉल नहीं आवाज लगाते ना किसी को ए हेलो सुनो दैट सो वेटर कि दरमेंडो के पास एक सीक्रेट कॉल है वो डॉल्फिन्स को अपने पास बुला सकता है सैम इज वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस सैम ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो गया दे नेक्स्ट डे सैम्स फैमिली टेक्स हिम टू मीट अर्मेंडो अगले ही दिन सैम को उसकी फैमिली अरमेंडो के पास लेके गई Will Sam get to swim with the dolphins? Read on to find out. Now we have to find out if Sam gets a chance to swim with the dolphins. It was time to go. Sam waved goodbye to his family as the little boat chugged out to the sea. Chugged out means moved slowly towards the sea, making the sound of the engine. So it is a motor boat. It is a motor boat. Just my engine laga hota, hai, boat. Hai. सो इट वॉज टाइम टू गो अगले दिन सैम अर्मेंडो को मिलने जाते हैं ये लोग एंड दे से कि ओके okay, ठीक है हम लोग सी के अंदर जाएंगे एंड अरमेंडो टेक टेक्स हिम ऑन हिस्स बोट टू द सी ये अपनी फैमिली को बाय बोलता है एंड धीरे धीरे हमारे हम धीरे धीरे हमारा ये बोट चलना शुरू करता है चक डाउट इज द साउंड विच मे दिच द इंजन मेक्स धीरे से जब बोट स्टार्ट होती है तो इंजन का जो वॉइस आता है एंड धीरे से जो बोट पानी में चलना शुरू कर दिए दैट इज चैकड आउट इन द सी अर्मेंडो थ्रू हिम अ लाइफ जैकेट आपको आपने देखा होगा ना जब आप वाटर um, um, क्या बोलते हो उसको रिवर um, राफ्टिंग ऐसी चीजें जो वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं बोटिंग होगा या फिर सेलिंग um, कोई भी चीज़ करेंगे तो यूजुअली आपको लाइफ जैकेट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और दिस ऑन ही सेड आई हैव प्रोमिस्ट यूर मदर दैट यू विल वेयर इट इसको जल्दी से पहन लो अरमेंडो ने अरमेंडो ने सैम uh, को लाइफ जैकेट दिया एंड सेट की इसको जल्दी से पहन लो मैंने तुम्हारी मम्मा को प्रामिस किया है कि तुम ये पहनोगे लाइंग ऑन द स्मॉल डेक विद द चागिंग ऑफ द बोट इन इज ईयर एंड द जेंटल सी ब्रीज फैनिंग हिस्सेम ऑलमोस्ट फेल इज स्लीप ओके बोट का जो uh, बैठने वाला पोर्शन है वहाँ पे शाम आराम से बैठा हुआ था इनफैक्ट लेटा हुआ था वहाँ पे चगिंग ऑफ द बोट हल्की सी इंजन की आवाज़ एक रिदम है वो है ना टुक 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 ऐसे एक रिदम में आवाज आती है लाइक आपकी रॉयल एनफील्ड का जो आवाज़ होता है ना ढक 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 ठक वैसे एक रिदम है रिदम क्या हुआ एक म्यूजिकल नोट ठीक है वैसा एक आवाज भी आ रहा है ऊपर से सी का ठंडा ठंडा हल्का हल्का हवा उसके फेस में आ रहा है मतलब वो भी एकदम रिलैक्सड है रिलैक्स है एंड सी का जो वॉइस है वो भी उसको सुनाई दे रहा है इतना रिलैक्स होने की वजह से वहीं पे डेक पे बैठ के सो गया एट लास्ट अरमांडोज वॉइस ब्रॉट हिम वाइड अवेक वाइड अवेक इज टू वेक अप ठीक है so वो आराम से सो रहा था एंड बीच में अरमांडो को वॉइस आती है उठो कहा होगा उसने तो वो हल, अपनी नींद में से उठता है ओके सैम वी आर हीयर नाउ येस हेल्मी ड्रॉप दी एंकर प्लीज सैम को अर्मेंडो क्या बोलता है चलो चलो उठो उठो हम पहुँच गए हैं मेरी हेल्प करो एंकर गिराने में एंकर क्या होता है बोट को रोकने के लिए आपने देखा है एंकर डालते हैं पानी में ऐसा कुछ होता है ये बोट से कनेक्टेड होता है इसको आप पानी में गिरा देते हैं सो so, ये इतना हैवी होता है कि बोट वहां रुक रुका रहता है सो so, अरमेंडो uh, क्या बोलता है कि हेल्प मी टू पुट दी एंकर इन वाटर, एंकर को डालने में मेरी हेल्प करो अर्मेंडो एंड सैम ड्रैगड ड्रैग्ड ड्रैगड टू पुल हैवी, हेवी ड्रैगड घसीटते हैं ना कोई भारी चीज घसीट रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग सो अर्मांडो एंड सैम ड्रैग्ड द हेवी एंकर टू द साइड ऑफ द बोट एंड देन हीव्ड इट इनटू द वाटर थ्रू स्लोली हेवी आइटम सो वो खींच के लाते हैं घसीट घसीट के लाते हैं एंड बोट की साइड से उसको पानी में डाल देते हैं हीप्ड मतलब जो भारी चीजें आप ऐसे धक्केल के डाल देते हो ना हल्के चीजों की तो आप ऐसे उठा के डाल सकते हो भारी चीज को इसके धक्केल के डालना पड़ता है सो दैट इज हीप्ड नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन्स एरमेंडो सेट अब एर्मेंडो ने बोला चलो अब हम लोग डोल्फिन को बुलाने के लिए विसल करेंगे सो द सीक्रेट कॉल वॉज द विसल ठीक है वॉट इज द सीक्रेट कॉल इट इज द विसल अरमेंडो पुट हेज थम्स टूगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन दैम अरमेंडो ने अपने थम्स को पास में रखा एंड उसने ब्लो किया ठीक है एंड उसमें से एक बहुत ही थिन आवाज निकली यूजल आप जब विसिल करते हैं ना ऐसे करके या फिर ऐसे करके उसकी जैसी आवाज नहीं थी ये बहुत पतली सी आवाज थी अस्ट्रेंज नॉइस केम आउट हाफ वे बिटवीन अ विसिल एंड ऑफ एंड आउट कैसी आवाज़ निकली सीटी वाली आवाज़ जो निकलती वो नहीं ये एक अलग ही आवाज़ थी कैसी थी विसल और उल्लू के हुटिंग के बीच में तो मेरे को नहीं पता कैसे निकाल सकते वॉइस लेकिन विसलिंग की आवाज़ आपने सुनी है ना हुटिंग भी सुनी होगी उल्लू कैसे आवाज़ निकालता है इन दोनों के बीच में कहीं ले करने वाला एक वॉइस निकला मेंडो एग्जैक्टली बट वेन ही ब्लू नो साउंड केम आउट अब अर्मेंडो को देख के सामने सोचा कि मैं भी बजाऊंगा विसिल और उसने भी सेम डिटो उसका नकल करने का कोशिश किया बट उससे विसिल नहीं बची उसने जब लो किया तो सिर्फ हवा ही कोई आवाज नहीं आया आई टेल यू इट इज डिफिकल्ट लाफ अरमेंडो ही मेड द सेम स्ट्रेंज विसलिंग नॉइज अगेन अरमैंडो ने उसको बोला <laughs> मैं तुम्हें बताता हूँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ठीक है ऐसे कोई भी खड़े खड़े नहीं बजा सकता है इट इज़ डिफिकल्ट एंड ही अगेन विसल्ट उसने फिर से विसल किया लुक कॉल्ड अरमैंडो पॉइंटिंग ही अ दे कम एंड उसकी इस विसल के बाद डॉल्फिन उनके पास आने लगी तो वो पॉइंट uh, आउट करके बोलने लगा देखो देखो वो लोग आ रहे हैं सैम कुडन बिलीव हिज आईज सैम को यकीन नहीं हुआ On the horizon, heading straight for the boat was a small school of dolphins. Horizon kya hota hai? The place where sea and um, sky meet. Hai? This is your horizon. The place where sea and sky meet. That is your horizon. Hai? So, um, ha, that is the place where. सी एंड स्काई मीट होराइज़न हेडिंग स्ट्रेट फॉर द बोट हेडिंग स्ट्रेट मतलब कमिंग टूवर्ड्स मतलब उनकी तरफ आ रहे थे कौन आ रहा था अ स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन स्कूल ऑफ डॉल्फिन डॉल्फिन का एक छोटा सा झुंड डॉल्फिन के झुंड को क्या बोलते हैं स्कूल ऑफ डॉल्फिन देर वर अबाउट ट्वेल्व ऑफ अराउंड ट्वेल्व डॉल्फिन थे उसमें

नाउ आई शो यू समथिंग Armando अरमेंडो एरमेंडो threw थ्रू a, threw a fish out of the boat and a dolphin leapt into the air and caught it. So uh, Armando बोलता है, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ और उसने एक fish उठा के पानी में डाला ठीक है पानी में डाला and पानी में पहुँचने से पहले ही एक dolphin ने कूद के उसको uh, अपने मुँह में ले लिया please, please, may I swim with them? asked Sam, begged Sam. सैम ने पूछा कि प्लीज 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 मैं जाऊं क्या मैं उसके उनके साथ स्विम कर लू बेग दिस रिक्वेस्टेड बेग दिस रिक्वेस्टेड श्योर जंप राइट इन अरमैंडर ने, ने बोला क्यों नहीं बिल्कुल तुम जंप कर लो पानी में सो सैम डोव इन टू द वॉटर सो सैम ने क्या किया उसने जंप लगा दिया पानी में ठीक है डोव इज डाइव का पास्ट यू डाइव इन द वॉटर ही डोव इन द वॉटर ठीक है डाइव करने का पास इज डोफ अ फ्यू डॉल्फिन लीप्ड थ्रू द एयर देन डाइव जस्ट बिलो द सरफेस वाइल सैम सैम स्वैम अलोंग ठीक है जैसे सैम ने पानी में को छलांग लगाया ये जो डॉल्फिन्स थे ये लोग भी पास पास आके उसके ऊपर ऊपर से जंप करने लगे जम्प इन देंस लीप करने लगे द अदर डोल्फिन स्वैम क्लोज बाई एज इफ ट्राइंग टू कैच दम एंड जो बाकी uh, कुछ डॉल्फिन्स uh, थे वो लोग सैम के पास-पास स्विम -पास, uh, कर रहे थे एज इफ पकड़म पकड़ाई खेलते ना जस्ट लाइक दैट इट वाज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड ये शायद सैम का सबसे बेहतरीन सबसे अमेजिंग गेम था जो अभी तक सैम ने कभी खेला हो ठीक है व्हाट वाज द गेम डॉल्फिन्स के साथ जो खेल रहे थे कुछ डॉल्फिन्स उसके आगे स्विम uh, कर रहे थे कुछ उसके आगे पीछे से कर रहे थे एज इफ दे वॉन्टेड टू कैच हिम ही स्वैम एंड प्लेड विद द डॉल्फिन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टिल फाइनली हर्ड अरमेंडोज वॉइस फ्रॉम द बोट उसने बहुत देर तक इनके साथ खेला बहुत मस्ती किया टिल कौन सा टाइम किस टाइम तक टिल अर्मेंडो ने इसको वापस बुला लिया सैम यू मस्ट कम एब्रॉड नाउ एबॉर्ड नाउ सॉरी एबॉड इज ऑन द बोट कम अबॉर्ड मीन्स बोट पे वापस आना पड़ेगा नाउ एबॉर्ड एंड एब्रॉड इज डिफरेंट ठीक है अबॉर्ड इज ऑन द शिप एब्रॉड इज सम्री आउटसाइड जिस भी कंट्री में आप हो उसके बाहर जो कंट्रीज है दैट इज एब्रॉड दिस इज एबॉर्ड वी मस्ट गो बैक चलो जल्दी आओ हमें वापस जाना है सेम यू मस्ट कम अबॉर्ड नाउ वी मस्ट गो बैक ठीक है सेम वही बार बार चिल्ला रहा था कि वापस आ जाओ हमें वापस जाना है डो स्टार्ट इंजन दोट अराउंड क्या किया दोबारा टू लीव ताकि ने पूछा तुम्हें मजा आया अच्छा टाइम निकला तुम्हारा द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ रिप्लाइड सैम सैम ने कहा कि नो अच्छा दिस वॉज माई बेस्ट टाइम प्लीज टीच मी द विसल टू कॉल देम आई प्रोमिस आई वोंट टेल एनी वन कहता है कि प्लीज मुझे भी विसल सिखा दो मैं किसी को नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ उनको बुलाने के लिए यूज करूँगा और किसी को नहीं बताऊंगा अरमेंडो थॉट फॉर अ मोमेंट अरमेंडो ने थोड़ी देर सोचा फिर देन ही सेट ऑन द डेक एंड शोड सैम द एग्जैक्ट पोजिशंस द थम शुड बी इन एंड द एग्जैक्ट प्रेशर सैम शुड ब्लो

ब्लो करना है कितना धीरे ब्लो करना है कितना प्रेशर लगाना है कितना दूर पकड़ना है हाथ ऑल दीज थिंग्स वो उसको अच्छे से सिखा दिया आफ्टर हाफ एन आवर एंड मेनी फेल्ड अटैम्प्ट आधे घंटे के बाद एंड इस आधे घंटे में शायद सैम ने बहुत कोशिश की ऑल फेल्ड अटैम्प्टेल्ड फेल्ड इज नॉट बींग सक्सेसफुल ठीक है नॉट बींग सक्सेसफुल सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थम्स सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थम्स एंड आउट केन अ परफेक्ट विसिल आधे घंटे की कोशिश के बाद सैम ने जब अपने थम्स में से फूक मारा तो एक्चुअल विसिल आया परफेक्ट विसिल ठीक है कितनी देर बाद आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद एंड ही वॉज वेरी एडमिट कि येस मैं आधे मतलब जितना भी टाइम लग जाए मैं उसको सीख लूंगा राइट वी शुड बी लाइक दैट है ना शुडन बी अगर कोई काम हमसे नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना चाहिए क्या नो वी शुड ट्राई फॉर इट ब्रिलियंट नाउ यू कैन डू इट सेट अरमेंडो अरमेंडो ने बोला वाओ सीकर वेरी गुड ब्रिलियंट इज ग्रेट एक्सीलेंट बाय नाउ द विंड वॉज स्ट्रोंगर बट इतनी देर में जो विंड चल रही थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई द सी वॉज चॉपी एंड द लिटिल बोट वॉज स्वेइंग इन वॉटर चौपी मीन्स रफ विध मेनी वेव्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉग वेव तूफान आता हो तो कैसे वेव्स आती है ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शन में आती है ना दैट इज चौपी सो द सी वॉज चौपी एंड जो हमारा बोट था ये स्वे करने लगा स्वेज टू एंड फ्रो मोशन मतलब जोर जोर से हिलने लगा अ लार्ज वेव क्रैश ऑन ओवर द साइड ऑफ द बोट एक बहुत बड़ी वेव वे आई एंड जोर से बोट के ऊपर आके गिरी थ्रोइंग एरमेंडो ऑन द फ्लोर वेर ही लाई विदाउट मूविंग एंड इतनी जोर से ये वेव आके गिरी एरमैंडो खड़ा था वहां पर उसको लगी वो जाके डेक पे गिर गया एंड अब हिल भी नहीं रहा था सैम ट्राई टू रिवाइव हिम सैम ने उसको उठाने की कोशिश की रिवाइव इज ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस को उसको होश में लाने का कोशिश किया बट इट डिट नॉट वर्क बट काम नहीं हुआ सैम लुकड अराउंड नर्वसली और uh, सामने आसपास देखा डर के मारे अब वो बच्चा है अकेला है ही बात है ना डर जाएगा ऑल ही कुड सी अराउंड हिम वर द ब्लू वाटर्स ऑफ द सी उसको आसपास पानी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था ही हैड नेवर फेल्ट सो लोनली बिफोर सैम कब भी इतना अकेला फील नहीं किया था राइट right, ना समुंदर के बीच में वो अकेला था अरमांडो बेहोश था बोट चलाना उसको आता नहीं था वो कुछ नहीं कर सकता था लुक डेट एरमांडो अगेन उसने फिर से अरमांडो की तरफ देखा कि क्या पता वो होश में आ जाए वेयर कैन आई गेट हेल्प वैम वू थिंक सो सैम सोचने लगा मुझे कहाँ थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है मैं क्या करूं ही हैड एन आइडिया उसको एक आइडिया मिला ही पुट हिज थम्स इन हिज माउथ करेक्ट पोजिशन एंड ब्लू थ्रू द गैप में था होता है ना? टेंशन में आप जब बात करते हो तो कटती है बातें या फिर आप स्टैमर करने लगते हो वैसे ही जो विसिल कर रहा था वो एक परफेक्ट विसिल नहीं आ रहा था लंबा छोटा ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ विसिल आ रहा था कटिंग थ्रू द नॉइस ऑफ द रेन एंड विन ऊपर से रेन और विंड की इतनी तेज आवाज आ रही थी कि इसका आवाज कम होते जा रहा था अगेन एंड अगेन ही लेकिन उसने हार नहीं मानी एंड ही ट्राइड अगेन एंड अगेन देन ही हर्ड नॉइस फिर उसने एक आवाज सुनी एंड देर वर थर्टी और फोर्टी ऑफ देम एंड अब उसने देखा कि पहले सिर्फ ट्वेल्व आए थे नाउ वर अ लार्ज नंबर थर्टी और फोर्टी डॉल्फिन आ गए स्विमिंग थ्रू द वेव्स टूवर्ड्स हिम एंड इन waves के बीच में से स्विम करते हुए दे केम टूवर्ड्स हिम उसके बोट की तरफ ये सब आए दे surrounded द बोट एंड बिगैन टू पुश इट अलोंग यूजिंग देयर heads एंड उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना हेड यूज़ करके बोट को पुश करना शुरू किया उन्होंने बोट को धक्का मारना शुरू किया सैम वॉज सो रिलीव्ड दैट ही वॉन्टेड टू क्राई सैम इतना रिलीव रिलीव फील कर रहा था रिलीव डिट नॉट डिड नॉट फील फ्राइटन एनी मोर वो इतना um, अब उसे डर नहीं लग रहा था अब उसको बहुत आराम था चैन मिल चैन मिल जाता ना कई बार आप घर पर अकेले हो बहुत डर लग रहा है मम्मा आ जाए तो आप रिलीव हो जाते हो कि ओह चलो अच्छी बात है मम्मी आ गई सो दैट इज़ रिलीव वेन यू डू नॉट फील द टेंशन और वेन यू आर नॉट अफ्रेड एनी मोर ठीक है सो ही वॉज सो रिलीव डेट ही वॉन्टेड टू क्राई वो इतना इतना अच्छा फील कर रहा था कि उसको रोना आ गया है वो था ना खुशी के आंसू वो ठीक है वो इतना डरा हुआ था बट डॉल्फिन्स को देख के उसको इतना चैन मिला कि अब उसको रोने का मन कर रहा था द डॉल्फिन्स पुश्ड द लिटल बोट फॉर मेनी आवर्स अंटिल द स्टोम हैड पास्ट एंड द स्काई वॉज क्लियर अब ये जो डॉल्फिन इन्होंने उसको पुश करना शुरू किया काफी देर तक पुश करते रहे करते रहे कब तक जब तक बारिश बंद नहीं होगी हो गई एंड द काम और बारिश दोनों जब तक तक बंद नहीं हो गए तब तक इस दॉ ने बोट को धक्का मारते रहे ऑन द डेक सैम हैड ट्राइड टू मेक अरमेंडो एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल डेक पे ये पानी में तो ये चल रहा था डेक पे जो सैम था उसने क्या किया अर्मेंडो को जहां लेटा हुआ था वहां से सीधा बिठाने की कोशिश की जितना कंफर्टेबली वो बैठ सकता था उसने पकड़ के उसको बिठाया सडनली अरमांडो ग्रोन्ड एंड सेट अप सडनली अरमांडो को हल्का सा होश आया एंड वो सीधे बैठ गया ग्रोन्ड इज टू मेक आउट अ स्मॉल वॉइस ठीक है ग्रोन्ड करना है छोटा सा आवाज आना हल्का सा जब होश आया तब उसने आवाज़ किया ओ माई हेड वॉट हैपेंड ही आस्ट अब उसको लगी अच्छे से तो जोर से लगी होगी कहीं पे तो उसको दर्द हुआ उसने कहा ओ माई हेड अरे मेरा सिर क्या हुआ वो पूछ रहा है यू नॉट योर हेड वेन अ वेव क्रैश ऑन द बोट तो सैम ने उसको बताया तुम तुम्हारा सिर जाके डेक पे लग गया था जब आ, वेव आई थी सो आई विसिल्ड फॉर द डॉल्फि एंड दे अस तो मैंने विसल किया और जो डॉल्फिन्स थे वो हमारी मदद करने के लिए हमें बचाने के लिए आ गए सेड सैम ब्रेथलेसली और सामने ये सब एक ही सांस में बोल दिया अरे तुम गिर गए थे मैं डर गया था मैंने उसको बुला लिया उन्होंने हमारी हेल्प की ऐसे जब आप बहुत एक्साइटेड या बहुत डरे हुए होते तो ऐसे ही बात करते हैं ना जल्दी जल्दी बात करना सांस नहीं लेना बीच में सो स्पीकिंग वेरी इन अ ग्रेट स्पीड ब्रेथलेसली इज स्पीकिंग इन ग्रेट स्पीड स्पीकिंग इन ग्रेट स्पीड राइट इनक्रेडिबल और मैंडोसेट इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल क्रेडिबल इज अनबिलीब इंग लाइक दिस मेरे इतने सालों के सालों में मतलब वो काफी सालों से सी में आ रहा होगा इतने सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है इट इज अ गुड थिंग आई टी चू द वि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें विसिल सिखाया विसिल कैसे ब्लो करना है यह सिखा दिया है ना अरमेंडो लीन डाउन टू द डोल्फिन थैंक यू माई फ्रेंड्स आई फिक्स द इंजन वेल नाउ यू कैन रेस्ट सो अरमेंडो क्या करता है वो लीन uh, डाउन करता है uh, मतलब थोड़ा सा झुकता है डोल्फिन के सिर पर सहलाता है एंड सेज कि थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अब तुम लोग जाओ मैं इंजन uh, uh, फिक्स करूँगा एंड तुम लोग रेस्ट कर सकते हो अब

जान बचा लिया नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ बहुत ही जल्द अरमेंडो ने इंजिन इंजिन ठीक कर दिया एंड इट स्टार्टेड वी विल बी बैक वेरी सून नाउ सेड एट द व्हील्स एट द व्हील्स मतलब ही वॉज ड्राइविंग ठीक है जो ड्राइव करते हैं इवन इन कार्स जो कार ड्राइव करते हैं ट्रक ड्राइव करते हैं जो भी ड्राइव कर रहा होता है उसके लिए वी यूज दिस फ्रेज एट द व्हील ठीक है ही वाज एट द व्हील मतलब ही वाज ड्राइविंग तो जैसे वो ड्राइव कर रहा था ही सेज वी विल बी बैक सून हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे वेल यंग सैम व्हाट अ डे यू हैड हाँ सो अरमांडो पूछता है कि और यंग सैम कैसा लगा तुमको सो so, मतलब चाइल्ड से यंग बना दिया क्योंकि ही ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसने ही डिड समथिंग वो बैठ के रोते रोता हुआ बैठ सकता था बट उसने ऐसा नहीं किया ही ही स्टुड अप

द लास्ट ऑफ द डॉल्फिन जो आखिरी डॉल्फिन जा रही थी उसको देख रहा था फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन विन कैसा लग रहा था कि वो एक बर्ड है एंड उड़ती हुई जा रही है वाई हैव यू सीन डॉल्फिन स्लीपिंग इन द वॉटर वो थोड़ी देर पानी में रहते हैं एंड देन ऊपर आते हैं एंड कूदते हैं सो इट फील्स लाइक दे आर फ्लाइंग थ्रू द गोल्डन वॉटर वाई इज इट गोल्डन बिकॉज इट इज सनसेट है ना सनसेट होते होते येलो कलर का हो जाता है पानी इट्स मेजेस्टिक फिंस ग्लिंटिंग इन द रेज ऑफ सेटिंग सन मेजेस्टिक फिंस इज बिग फिंस मेजेस्टिक मीन्स बिग ग्लिंटिंग शाइनिंग ठीक है उसके जो बड़े बड़े फिंस थे वो सन में बहुत चमक रहे थे ठीक है नोट अरमेंडोज इंग्लिश इज अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज हिज होम लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश आपने नोटिस किया अरमेंडो के जो डायलॉग्स हैं दे आर नॉट द प्रॉपर इंग्लिश दैट वी स्पीक उसमें येस yes ज़्यादा है ए ज़्यादा है देन जो पोजिशंस ऑफ वर्ड्स है वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है वाई इज इट सो बिकॉज उसका होम लैंग्वेज उसका मदर टंग इंग्लिश नहीं है ही मस्ट हैव लर्न इंग्लिश डिफरेंटली सो उसका थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है सो यू रिमेंबर द स्टोरी नाउ क्या क्या हुआ सैम अपने पेरेंट्स के साथ एक छुट्टी पे जाता है आइलैंड पे वहाँ पे उसको अरमेंडो मिलता है अरमेंडो उसको सी पे लेके जाता है सी में उसको डोल्फिन मिलती हैं डॉल्फिन को कैसे बुलाते हैं ये वो सीख जाता है देन THERE'S A STORM AND HE USES THAT दैट बिस्ल जो अर्मेंडो ने सिखाया था टू कॉल द डॉल्फिस् फॉर हेल्प ठीक है एंड वो पहुँच जाता है वापस अपने घर so, uh, WHAT DO YOU THINK? अगर सैम डर के मारे कहीं बैठ गया होता या रोने लगता या कुछ कर ही नहीं पाता तो ये सब हो पाता नो इट ऑल हैपन बिकॉज ही वॉज ब्रेव इनफ ही वॉज़ क्रेजियस इनफ टू स्टैंड अप एंड गेट इन टू एक्शन ठीक है सो दैट इज योर स्टोरी आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है आ गई ना नाउ यू हैव अ होम वर्क ठीक है इजी है इफ़ यू रीड द स्टोरी एटलीस्ट टू थ्री टाइम्स यू नो द आंसर्स यू कैन ईजीली सॉल्व इट ठीक है बहुत बड़े बड़े नहीं है आई रीड इट आउट फॉर यू फर्स्ट क्वेश्चन इज डू डॉल्फिन फ्लाई वाइड डज द ऑथर से सो आपकी स्टोरी में द ऑथर सेज द डॉल्फिन फॉर फ्लाइंग डोल्फिन फ्लाई करते हैं क्या नो दे डोंट

जो नॉर्मल विसिल है उसमें और अर्मांडो के विसिल में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट इज फाइंड सिमिलर वर्ड्स इन द स्टोरी देर आर वर्ड्स दैट मीन द सेम ठीक है इसका मीनिंग का एक एक वर्ड आपको ढूंढना है फर्स्ट वन इज मूव इन अ रिदमिक वे मूव इन अ रिदमिक वे मतलब एक रिदम के साथ मूव करना सेकेंड इज इम्पॉसिबल टू बिलीव समथिंग विच यू के नॉट बिलीव Okay? That is all in your homework just four questions short questions you will get the answers if you read the story at least twice okay? I hope you will do the homework okay? next um, when we meet next we will be discussing the solutions for this uh, homework so please do it before that okay homework right I hope you've understood the story we've done the explanation and you have a homework. Do it. I'll meet you next time with the solutions and the exercises from the textbook. Till then, take care. Bye bye.